Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. If you guys are new, namaste sabhejanlai. Aaj meri YouTube video mein tapai sabhejan ka ek baar phir se swagat cha. Namaste sabhejan ko aaj meri YouTube video mein aap sabhejan ka ek baar phir se swagat hai. So I have come up with another makeup tutorial jo ki hai ye look. To agar aap dekhna chahte ho ye look maine kaise create kiya hai, to keep on watching the video. And before starting the video, I would like to say few things jo ki main hamesha hi bolti hu. सो वट एवर प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, ऐसा नहीं कि आपको वही यूज़ करना पड़ता है. लाइक फाउंडेशन आई माइट यूज़ मेबिलिन का, बट इफ़ यू हैव पैक का, लॉरियल का, लैक्मे का, यू कैन यूज़ दैट. जस्ट द रिकमेंडेड थिंग्स आर फ्यू थिंग्स जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, और मे बी इफ नॉट इन वीडियो एंड वीडियो में बोल दूंगी कि रिकमेंडेड चीज़ कौन सा है. सो जो भी रिकमेंडेड उसे एक दो शेड ऊपर या एक दो शेड नीचे जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो भी यूज़ कर सकते हो. Sorry, I am talking way too fast because I don't want my intro to be long, मतलब 2-3 मिनट का intro हो, because it doesn't feel nice. And another thing is, मैंने पहले भी एक makeup video tutorial किया है interview में जब जा रहे हो, पर वो वाला was a simple makeup look for cabin crew when you go for an interview. आज का जो look है वो is recommended one. वो वाला भी recommended था, पर वो पहले वाला था. It was very simple, मतलब आई मे बी आई शेडो वगैरह कुछ नहीं था, बस लिपस्टिक आईब्रोज थोड़ा एनहांस किया था, एंड आई वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड, बट पहले रिकमेंडेड था. पर जो लुक ये वाला है ये रिकमेंडेड है. एंड इफ यू गाइज फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, यू गाइज नो आई लव दिस लुक. जब भी मैं फ्लाइट में जाती हूँ यही लुक क्रिएट करती हूँ. सो इन केस इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक, कीप ऑन वॉचिंग. सो मैंने अपने मुंह अच्छे से क्लेंजर से धो लिया है, टोनिंग भी कर लिया है. तो नाउ आई एम गोइंग टू डू इज अप्लाई अ मॉइस्चराइजर विच इज फ्रॉम नाइका स्किन आरएक्स, विटामिन सी वाला होगा शायद. सो सॉरी गाइज, आई डोंट नो मच अबाउट द प्रोडक्ट जो यूज कर रही हूँ, नया नया ऐसा. सो अगर आपको चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या यूज कर रही हूँ, एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो बोल दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो सके तो डाल दूंगी. मॉइस्चराइज कर लिया और मैं आज ये लगा रही हूँ. नॉर्मली तो मैं नहीं लगाती, पर यू गाइज कैन सी मेरा बाल बहुत उड़ रहा है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सी योर क्लियर व्यू कि मैं कैसे कर रही हूँ, मेरा फेस अच्छे से दिखे. सो मैं लगा रही हूँ. आई एम गोइंग टू गो विथ माई फेवरेट कंसीलर, डन विथ माई आईज. थोड़ा मैं मेरा स्पॉट्स, मतलब ये जो पिम्पल्स का मार्क है वहाँ पर भी लगा लेती हूँ. फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबिलिन फिट मी का इन द शेड 128. आई थिंक ये वाला फाउंडेशन तो सबका फेवरेट है, बहुत जन को देखा है. एंड आज तो ना मेरा प्लस प्लस पॉइंट हो गया, बिकॉज आई नीड टू गेट रेडी. मेरा मीटिंग है आई थिंक 3:45 से मीटिंग मेरा 5:30 तक ऑलमोस्ट. सो मैंने सोचा वीडियो कर लूँ, बिकॉज एनी विच वेज आई हैव टू डू मेकअप. तो मैंने मेकअप भी वीडियो भी कर रही हूँ एंड मीटिंग भी अटेंड करूँगी ये बनाने के बाद. आप लोगों के देखा ही होगा कि मैं फाउंडेशन हाथ से लगा रही हूँ. अगर आप ब्रश यूज़ करते हो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हो, स्पॉन्ज भी यूज़ करते हो कर सकते हो. पर मैं ब्रश यूज़ कर रही थी, बट इट्स बीन सम टाइम ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा ब्रश ना थोड़ा गंदा हो गया है. सो धो के भी वो कैसा पोक कर रहा है मुझे. तो आई हैव ऑर्डर स्पॉन्ज, तो इट विल कम इन सम टाइम. तो उसके बाद मैं स्पॉन्ज यूज़ करना स्टार्ट करूँगी. वंस आई एम डन विद द फाउंडेशन मैं जाऊँगी सीधा आई में. एंड यू गाइज नो this is my one and only favorite product for my eyebrows, जो है मैक्से इन द शेड डीप डाउन. ये नया वाला है मेरा, आई थिंक पहले वीडियो में आई थिंक मैंने दूसरा वाला यूज़ किया था. आई बीन यूजिंग दिस सिंस आई थिंक 3 days नाउ, 3-4 days. ऐसे सीधा बहुत जन मुझे पूछते हैं आईब्रोज कैसे बनाते हो, ट्यूटोरियल कर लो. तो मैं भी एक वीडियो में बनाऊँगी जहाँ पर खाली मैंने, मतलब होता है ना, आईब्रोज को मैंने दिखाया है. इट्स गोना वेरी शॉर्ट वीडियो, बट आई थिंक आई एम गोना डू इट डन विथ माई आईज. एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि वाह ऐसे तो आईज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड. मुझे भी पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, पर इनकेस इफ यू थिंक आप लोग ऐसे नहीं कर पाऊंगे, तो सिंपल सा जो लॉरियल का पैलेट होता है, नॉर्मल जो पाउडर वाला पैलेट होता है, जैसे ऐसे ही वाला ये आईब्रोज के लिए भी मिलता है, तो थोड़ा एनहांस कर सकते हो, बट मेक श्योर थोड़ा डार्क कीजिए सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव. लिप्स में कुछ लगा लो सो दैट लेटर एकदम ड्राई ना दिखे मेरा लिपस्टिक. पहले लगाना था, मैं भूल गई. फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग ला गर्ल का. आई मोस्ट ऑफ टाइम्स डोंट यूज दिस कंसीलर बिकॉज आई थिंक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, थोड़ा उल्टा शेड मंगा लिया, थोड़ा डार्क है मेरे लिए, बिकॉज कंसीलर शुड बी लिटिल, मतलब शेड से, फाउंडेशन शेड से या स्किन टोन से थोड़ा लाइट. आई नहीं रहा, खत्म हो गया क्या बिना चलाए. इज माई फिंगर्स, दिस इज क्वाइट नाइस आई वुड से. एंड आई रियली नीड टू गेट अ मिरर फॉर माई सेल्फ. कभी कभी हो जाता है ऐसे गिर गया तो Oh my God, मेरा पैलेट गिर जाएगा. गाइस कैन सी द डिफरेंस, थोड़ा हो गया है, क्या बोलूँ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है. चरा डन बोथ ऑफ माई आईज. अब मैं जाऊँगी आई शेडो की तरफ जो कि है लॉरियल से.
मैक्सिमलिस्ट, दिस इज रिकमेंडेड आई शेडो, मतलब ये यूज़ करना पड़ता है। पर इनकेस आपके पास ये नहीं है तो दूसरा वाला जस्ट लाइक टोल्ड, इफ़ यू हैव दिस पैलेट हुडा ब्यूटी का, इससे आप यू कैन यूज़ ये वाला। इफ़ यू हैव मेबलिन का, उस वहाँ पर भी एक शेड यहाँ पर है एंड बहुत सारा शेड है, इट्स लाइक लिटिल पर्पलिश डार्क इन कलर, सो आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो। द रिकमेंडेड इज दिस वन। सो मेक श्योर व्हेन यू अप्लाइंग द आई शेडो थोड़ा ऊपर ब्लेंड कीजिए, ऐसा नहीं कि इतना छोटा कीजिए, ऑलमोस्ट डन। सो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लाइन कर सकते हो और थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड इन करना है, इसको ब्लेंड करते रहे सो दैट यू नो थोड़ा डार्क दिखे। अगर एक बार में करोगे इतना डार्क नहीं दिखता है, तो थोड़ा ब्लेंड करते रहे, ब्लेंड करो 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 करो। ये तो आई शेडोज वर नॉट रिकमेंडेड, मैंने पहले वीडियो में एक सिंपल मेकअप लुक भी क्रिएट किया था, वो वाला रिकमेंडेड लुक था, लिपस्टिक भी रेड। अभी तो क्या हो गया, आई शेडोज मतलब आईज को एकदम एनहांस करना पड़ता है और लिपस्टिक न्यूड में रिकमेंडेड है सारा। बट लुक्स नाइस, आई लाइक दिस लुक द मोस्ट, दिस इज लुक वन ऑफ द रिकमेंडेड लुक। चरा चरा, ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी मुझे बॉक्सिंग दे दिया ऐसे। सो गाइस एक बार ये हो जाएगा तो इनर कॉर्नर्स में थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ये वाला शेड मैं थोड़ा सा हाथ में लूंगी और इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी और ऐसे इनर कॉर्नर्स में, सो दैट इट लुक्स अ लिटिल हाईलाइटेड। गाइस कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है। कैन यू मेक द डिफरेंस ऑलरेडी, मैं तो दिख रही हूँ पर कैमरे में आई एम नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं। ये आई लाइनर की तरफ जो कि है मेबेलिन से नॉर्मल ग्लॉसल आई लाइनर, काजल बोलने वाली थी, इट्स बीन सम टाइम, मैंने काजल भी नहीं लगाना है, मुझे लगाना है। पर थोड़ा सा मोटा लगा लीजिए सो दैट इट लुक्स कि हाँ लगाया है बोल के, बिकॉज दिस इज अ वेरी डार्क लुक आईज में, सो नॉर्मली पतला लगाएंगे तो दिखता नहीं है। थोड़ा सा खींच लीजिए और जस्ट मेक अ विंग स्मॉल वन, डन। मस्कारा, कभी मैं नाम भूल जाती हूँ क्या है, मेबेलिन का ही, सब मेबेलिन शुड डेफिनेटली स्पॉन्सर मी, सब मैं मेबेलिन का ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेबेलिन इज आई थिंक द बेस्ट, अफोर्डेबल भी है एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस। गाइज मैं तो आई डोंट यूज़ अ कलर बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज़, आई हैव नेवर ट्राई, स्किन में लग रहा था उसके बाद आई नॉट ट्राई, सो आई गिव अप कि नहीं होगा मुझसे बोल के। सो आई डू इज वो यूज़ नहीं कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज यू नो एक कोट लगा लीजिए, वेट फॉर सम टाइम, लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एंड उसके बाद डबल कोट कर सकते हो एंड लुक्स कि हाँ लगाया है, बिकॉज आई हैव वेरी स्मॉल आई लैशेज, मतलब वेरी लेंथ में इतना लंबा नहीं है सो दिखता नहीं है एंड प्लस द आई मेकअप दैट यू डू इज़ वेरी डार्क एंड आई लाइनर के साथ दिखता नहीं है इतना, सो मेक श्योर टू ऑलवेज अप्लाई डबल कोट ऑफ मस्कारा। थोड़ा कॉम्पैक्ट से सेट कर लीजिए सो दैट यू डोंट स्वेट आउट, इतना स्वेटी फेस नहीं दिखे, इतना ऑयली ना दिखे। सो थोड़ा ये आपको भी, आई डोंट यूज़ अ पाउडर समथिंग, क्या बोलते हैं उसको, क्या पाउडर वो कॉल आउट एंड फॉरगेट, सेटिंग पाउडर भी यूज़ नहीं करती हूँ। सो कॉम्पैक्ट से ही थोड़ा जो मेरा ये कंसीलर होता है उसको सेट कर लेती हूँ एंड आई अप्लाई टैप 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 ऑल ओवर सो दैट मेरा ऑयली ना दिखे। बट दिस इज टोटली ऑप्शनल, बट आई एम गोइंग टू कंट्रोल अ लिटिल टेकिंग मेबेलिन अगेन का शेड, ये फाउंडेशन है पर आई यूज एज अ कंटोर डार्कर शेड में, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेती हूँ एंड आई जस्ट कीप ब्लेंडिंग टिल द टाइम मुझे ना लगे कि ठीक है गर्ल या गुड टू गो। थोड़ा डार्क दिखता है गाइस, कैन सी, डन ऑन बोथ द साइड्स। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लश मैं यूज करूँगी एंड वेयर इज माय ब्रश, नहीं आई जस्ट गेट इट, थरा गॉट माय ब्रश, थोड़ा सा लूंगी एंड लेट मी अप्लाई ऑन माई चेक्स, इज इट विजिबल, नहीं थोड़ा और लगा लूँ, आई डोंट लाइक अप्लाइंग ज़्यादा भी चीक्स में पर इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, थोड़ा ज़्यादा लगा लो सो दैट थोड़ा पिंकिश दिखे। हाइलाइटर थोड़ा सा लगा लो, वाओ makes such a difference, look at it guys, and the last thing is lipstick jo hai color bar se, this is recommended one, shade is like this, agar aapke paas ye wala nahi hai to aap koi bhi shade similar to this one, maybe ek do shade lighter ek do shade dark wo bhi laga sakte ho,
दिस इज द रिकमेंडेड वन. इट्स फ्रॉम कालाबा 16 स्ट्रिप्ड. लिपस्टिक इज डन. थोड़ा सा रफली एक बन बना लिया है पीछे, मतलब ऐसे फोल्ड करके, सो दैट आई कैन गिव यू वो इंटरव्यू वाला लुक. इंटरव्यू में एक्चुअली कैसे दिखेगा. एंड इन केस यू वांट टू सी बन कैसे बनाता है सिंपल, आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ वीडियो ऑन इट. सो लिंक में आई शेयर हाउ टू मेक अ बन फॉर इंटरव्यू. आई होप यू विल वॉच इट इन केस इफ यू थिंक यू नीड टू लर्न. एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर इयर रिंग्स बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. Did you guys like it? Or did you guys love it? Let me know in the comment section below. So I think here we come to the end of the video. This is the final makeup look. I hope you guys loved it and did learn something from it. In case if you like this video, please do not forget to give this video a big thumbs up. Like, share and subscribe to my channel. If you think this video helped you somewhere, please do not forget to share this video to all the beautiful ladies out there who wants to become a cabin crew, jisko makeup karna pasand hai, jisko interview mein ja rahe hai, ya someone who wants to learn, someone who wants to see ki recommended look kaun sa hota hai, kaise karna hai, kaun sa shade apply karna hai, kaise इंटरव्यू का लुक क्रिएट करना है. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर माय साइड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.